आज पूनम का दिन है और गुरु की कृपा है। कहते हैं ना, दोनों जब मिलते हैं, जो अपने जीवन में आनंद और तृप्ति का एहसास इस मार्ग में है, तो हर एक को मिलेगा ही। तो गुरु की प्रसाद कृपा तो बरस रही है, बस कृतज्ञ भाव से अपनी आंखें अपने अंजलि में खोल सकते हो। लक्ष्मी दीदी, आपसे मिलने के लिए हमारे नगर से बहुत सारे टीचर आए हैं। हम नगर के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, और हमारे तालुका कोऑर्डिनेटर है, कई डीएसएन कोऑर्डिनेटर है, एडवांस कोर कोऑर्डिनेटर है, सब आए आपको मिलने के लिए। तो सुनीता दीदी आपसे वार्तालाप कर रही है। दीदी, बहुत अच्छा लगा। आज का दिन ही शुक्रिया अदा करने का दिन है गुरु के प्रति। और हम सब तो एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते ही है, ऐसा तो कोई परिपूर्ण होता ही नहीं है। तो हम टीचर भी हुए तो भी हम एक दूसरे से सीखते हैं। और गाना और संगीत तो सब ये भी साधना होती है, जो आपको वो भगवान ने दी है, वो दैवी शक्ति होती है। तो आपसे ये सुनकर तो इतना अच्छा लगा ना दीदी। तो आज का जो शुक्रिया अदा, गुरु के प्रति शुक्रिया अदा करने का दिन तो आज का पूर्ण हो गया। सब शुक्रिया अदा करके हम खाली हो गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छा लगा आपको। पहली बार मैंने सुना, आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छा लगा। आपको दूसरी बार सुन रहा हूं। और इसके आगे बार बार सुनेंगे। हाँ, आगे बार बार सुनेंगे। क्या है, उनकी आवाज में इतना मधुरता है, इतना स्निग्धता है ना, जैसे शर्करा होती है ना, एकदम मधुशाला की तरह उनकी आवाज है ना। और पूरा गाना सुनते सुनते, भजन सुनते सुनते हम मेडिटेट हो जाते हैं, है ना। कई भजन के ऊपर नाचते हैं, कई भजन के ऊपर मेडिटेशन होते हैं। तो आपकी आवाज में बहुत ऐसे मधुरता है, जिसे हम बैठे बैठे ही ध्यान लगने लगता है। पहली बार अपन ने सत्संग रखा था ना, जब कृष्ण भैया ज्वाइन हो गए थे, तो उसी दिन हमारा ठहरा था। तो गुरु पूर्णिमा को दीदी को बुला। आपने बताया था कि सर मेरे पति देव ने कहा कि मैं भी गाऊंगा तुम्हारे साथ। मैंने कहा कि और अभी तक मैं बने भाग्य हूँ गुरु के साथ, मुझे ऐसा परिवार मिला है कि मुझे पता नहीं परिवार क्या है। दीदी बहुत अच्छा लग रहा है। और वैसे भी गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का उत्सव हर साल मनाते ही है, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से ये सब ऑनलाइन चल रहा है, तो उसमें भी बहुत मजा आ रहा है। आपकी आवाज इतना मीठी है, सुनने में बहुत तृप्त तृप्त सा लग रहा है ऐसा। अब सबको नाचने का भी मन है। अब थोड़ा सा एक फास्ट वाला भजन गाओ तो सब नाचेंगे झूम के। जय गुरुदेव। लक्ष्मी दीदी एंड मिश्रा फैमिली, सबको आज गुरु पूर्णिमा के बहुत बहुत शुभेच्छा है। हाँ, इतनी आवाज में मिठास थी ना कि ऐसा मन हो रहा था कि सिर्फ आंखें बंद करके सिर्फ सुनना है। इतनी आवाज में मिठास, मैंने तो पहली बार आपका आवाज सुना है आज। हाँ, बहुत अच्छा लगा। ये गुरु पूर्णिमा का दिन तो बहुत सबके लिए बढ़िया रहता है। हमेशा हम यहाँ श्रीरामपुर में बहुत बड़ा उत्सव करते हैं ये गुरु पूर्णिमा का, लेकिन ऑनलाइन तो 1.5-2 साल से चल रहा है, तो इसमें भी बहुत हम सब बहुत उच्च अच्छा तरह से कर रहे हैं। सब सेलिब्रेशन इतना अच्छे तरह से हो रहा है, सब कोर्सेस ये वो, लेकिन आपका जो आज सत्संग सुना ना तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि ये क्लासिकल सिंगर जो रहते हैं ना, उनकी आवाज और उसकी जो लय रहती है ना, वो हमेशा थोड़ी अलग रहती है। हाँ, तो बहुत मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि मेरे बहुत ब्लेसिंग है आपको, बहुत ब्लेसिंग है। और सबको आपने जो मंत्र मुग्ध कर दिया ना, तो मैं तो बहुत हैप्पी और भी हैप्पी हो गई। क्लास करके अटेंड करके कुछ सीखना अलग बात है, लेकिन दीदी का तो घराना ही है, पुराना घराना है। उनके दादा भी और परदादा भी और उनके पापा भी इसे संगीत से जुड़े हैं। जो हमारे साथ एकनाथ कोरे सर है, जो बांसुरी वादक भी है, वायलिन भी करते हैं। दो शब्द आपके भी हो जाए। शुरू में मैंने उनका जब शुक्रिया आवाज सुना और उन्होंने जो सर लगाया,
तो मैं बोला कि मारवा मेरा भी फेवरेट राग है, और इन्होंने भी जो राग गाया मतलब स्टार्ट किया, तो मैं तो मतलब हो गया कि मुझे लगा कि चलो आज का तो सत्संग बढ़िया होने वाला है, सुरेला होने वाला है और मजा आने वाला है। और सही में मैं भी चलो मेरा मतलब अर्जेंट थोड़ा सा काम था, तो काम करते करते मैंने पूरा प्रोग्राम मैं सुन रहा था, भले मेरा मेडिटेशन ना हुआ हो लेकिन गाने से तो मेडिटेशन मेरा मेरा जो कान है मेरा समझो मैंने सांस लेना आंखें मूंदना ये सब चीजें नहीं हुई मुझसे, लेकिन मेरे कान तो मतलब मंत्र मुग्ध हो गए और मैंने बहुत बढ़िया मतलब उसमें से मुझे भी अच्छा मतलब ये भक्ति रस में और ये सुरेला जो सत्संग है इसमें बहुत बढ़िया मुझे मतलब फील हुआ, बढ़िया प्रोग्राम हुआ। ऐसे इनको हमेशा इनवाइट करते जाओ महफिल जो है बहती गंगा ज्ञान की गंगा। तो कोरे सर का एक अच्छा गुण है जो गुण मैंने उनसे पा लिया, अभी 15-20 साल से हम फ्रेंड करके है यह नगर में, हमारा बिजनेस थोड़ा सा अलग है लेकिन एक दूसरे के अनुरूप है। तो उनका शाम हो दोपहर हो रात हो या सुबह हो कभी भी आ जाए तो कुछ ना कुछ गुनगुनता रहते हैं। उनका वो क्लासिकल का टच है, उनका पेटी के रियाज भी है और बांसुरी वादन भी करते हैं, तबला वादन भी करते हैं, बहुत बड़े फैन हैं। और इनसे जो मुझे मिला है ना वो शास्त्रीय का जो लगन, तो इनका कारण है कोरे सर। तो मैं भी इसे पहले कुछ सुनता नहीं था लेकिन क्लासिकल में जो मुझे पड़ाव है जो आनंद मिल रहा है इनके ही कारण है। तो आज आपने उसी का धारा पकड़ के आज बहुत अच्छा सा सत्संग किया, बहुत अच्छा लगा। और हमारे साथ हमारे महाराष्ट्र के बहुत सारे वॉलेंटियर भी है, हमारे बारिश बहुत है और नदी में बाढ़ आई है, लोग गांव छोड़ के निकल गए हैं, सुबह से था अभी सत्संग सुना रिलैक्स हो गया। नदी में बहुत सांगली में बाढ़ आई है। अच्छा बाढ़ आ गई, बारिश का माहौल भी है, पूनम की साथ भी है और आपका वो शास्त्रीय संगीत का भी टच है। तो जाते जाते एक रसीला, जैसे कि संगीता दीदी ने कहा है एक आधा रसीला और नाच गाने वाला अगर हो जाए तो और भी मुश्किल आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बिना बिना डांस के तो जाना नहीं है। तो भगवान हमारे साथ, ईश्वर गुरु जी हमारे साथ डांस करते हैं, तो बिना उसके तो अधूरा है। तो हम सब डांस करके साथ, मैं तो बैठ के गाऊंगी, आप डांस कर सकते हैं। हरि सुंदर नंद नारायण हरि ओ, हरि सुंदर नंद नारायण हरि ओ, हरि केशव मन गोविंद हरि नारायण हरि ओ, हरि केशव मन गोविंद हरि नारायण हरि ओ, वरदन गिरिवर धरी वनमाली उन्नी गिरी, वरदन गिरिवर धरी Hari 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 Hari
जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, अहमदनगर ज्ञान क्षेत्र की तरफ से, पूरा महाराष्ट्र टीम की तरफ से, क्योंकि आज महाराष्ट्र के बाहर से जुड़ चुके हो, है ना। पूर्ण महाराष्ट्र की तरफ से गुरुजी के ब्लेसिंग तो है ही, हमारा भी प्रेम आपके साथ है, और पूरा पूरा परिवार को हम धन्यवाद देते हैं।